तब उस समय इन गोपियों से पूछा जाए कि तुमको अब कैसा लग रहा है, ये कहेंगी कुछ नहीं है, बस इस विवाह विवाह में कोई स्वाद नहीं है। जो स्वाद चतुर पश्चिमी भाव में विराजमान था वो भाव दाम्पत्य भाव में है ही नहीं। तो दाम्पत्य भाव वह मुख्य नहीं है, मुख्य जो है वह परकीय भाव ही विराजमान है। और श्री जी गोस्वामी जी ने परम मत को स्थापित करने के लिए दूसरों के सिद्धांत को कहीं उनको भी उनका भी सिद्धांत है इसको कहीं स्थापित करने के लिए परेच्छया कुछ लिख दिया। और श्री कृष्ण का गोपियों का परकीय भाव स्वकीय भाव उन्होंने स्थापित कर दिया, परंतु उस स्वकीय भाव में रस नहीं है इस बात को श्री कृष्ण ने भी अनुभव किया कि वारिमानता भय और दुर्लभता ये तीन चीज यदि रहेंगी तो प्रेम का जैसा विस्तार होगा वैसा विस्तार स्वकीय आत्म में जहां निर्भयता है, जहां पर वारिमानता माने रुकावट नहीं है, ऑब्स्टिकल्स नहीं है, बाधा नहीं है, और जहां दुर्लभता नहीं है, जब चाहो तब प्यारा तो अपना है, ये मन में विचार करके प्यारे के मिलन को प्राप्त कर लो, तो दुर्लभता नहीं है, वारिमानता नहीं है और भय नहीं है, ये तीन चीज नहीं है तो वहां पर प्रेम का उत्कर्ष नहीं हो सकता है। इस प्रकार श्री भूप गोस्वामी जी ने कृपा करके उस परकीय भाव को प्रकट किया। और उस परकीय भाव को प्रकट करने में एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा श्री भूप गोस्वामी जी का कि उन्होंने जो वैधी भक्ति उसकी अपेक्षा गृहणु होकर के लोभ जन्य जो भक्ति उसकी उत्कृष्टता दिखाई। लोभ जन्य भक्ति में भी जो प्रेमा भक्ति है उसकी अत्यंत उत्कृष्टता, प्रेमा भक्ति में भी रागात्मिका भक्ति उसकी उत्कृष्टता, रागात्मिका में भी रागानुगा भक्ति की उत्कृष्टता और रागानुगा भक्ति में भी रूपानुगा भक्ति उसकी सर्वोत्कृष्टता दिखाई। तो एक पूरी की पूरी यात्रा श्री कृष्ण प्रेम की यात्रा वह वैधि से होकर के कहीं लोभमयी प्रीति को पार करती हुई शुद्ध प्रेममयी प्रीति को पार करके रागात्मिका प्रीति को पार करके रागानुगा प्रीति को पार करके जहां रूपानुगा होकर के विराजमान वो रूपानुगा उपासना पद्धति सर्वोत्तम उपासना पद्धति। और श्री रसिकों की जो भक्ति से लेकर के ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम अंतर बाह्य इंद्रियों से जो कृष्ण की सेवा वहां से लेकर के रूपानुगा उपासना तक की जो पूरी यात्रा पद्धति है उस यात्रा पद्धति को अधिकार संपत्ति पूर्वक जिन श्री रूप गोस्वामी पाद ने निरूपण किया उनके श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। बोलो श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। यहां श्री राधिका जैसे ही मुख खोल करके बदल करके देखती है सोई कोई परकिया प्रेम और उसका जो परमोत्कर्ष है वो परमोत्कर्ष प्रकट हो जाता है। तथा मुखरा, इतने में मुखरा जी प्रवेश करती है और कह रहे हैं राधा कृष्ण को जो पास में देखती हैं बोले हैं ये नंद को ढोटा मेरी नातनी राधिका के पास में कहां से आएगा, ऐसा कहकर के मुखरा जी दूर से देख रही हैं और देख करके बोले हैं कौन है कौन है, और कह रही हैं हाय हाय बना सक्तम चेतः प्रणयत ग्रहाद्यो विरमेन वरेण्यम बंधूनाम प्रणय विस्मार महाधूत श्रेणी गुण गर्म विस्तार विस्तारण पटु करो संगे तस्मी सदले पुत्र पतिता हाय हाय अरे बेटी तू भी इस चंचल महाधूत श्रेणी के गुणों की गरिमा से युक्त इस चंचल शिरोमणि के हाथ में हाय बेटी तू भी पड़ गई का हाय हाय गजब है क्या पल्ले है गई पल्ले है। ऐसे श्री मुखरा जो है वो उस समय जोर जोर से फाप
शब्द जो है उनका खूब उच्चारण कर रही हैं और कह रही हैं महाधूत श्रेणी गुण गरिम, महाधूतता की श्रेणी की गुण की परम गरिमा जिनमें विराजमान है उनके विस्तार पटो, उस विस्तार में जो परम पटु है उस नंद के धोटा के करोत संगे उनके हाथ में हाय हाय मेरी ऐसी सरल बेटी कैसे पड़ गई, पल रह गई पल रह गई। तस्य तम सरले पुत्र पतिता, उसके हाथ में अरे पुत्री सरल सरल तू कैसे पड़ गई, इस चंचल के हाथ में तू कहां से आ गई, हाय हाय गजब है गयो पल रह गई। के बना सकतम चेत प्रणयत ग्रहाद्यो विरमेन, कि ग्रहाद्या जो श्री कृष्ण घर से इन गोपिकाओं के चित्त को ग्राहक विरमेन घर से विराम प्रदान करते हुए बना सकतम बन में आसक्त कर देता है। ये राग का लक्षण रूपण किया गया कि राग में सुख हो जाता है दुख, दुख हो जाता है सुख। ग्रहणियों के लिए घर में स्थिति वह परम सुखकर है और वन में स्थिति परम दुखकर होती है, पर इन गोपियों के लिए घर में रहना तो हो जाता है दुखकर और वन में जाना वही हो जाता है सुखकर। तो जहां दुख सुख और सुख दुख के रूप में प्रतीत हो उसका नाम राग, वही राग यदि और पराकाष्ठा को प्राप्त होता है तो राग वही अनुराग बन करके विराजमान होता है। प्रेम वृद्धि क्रम है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है, जो प्रेम है वही स्नेह वही मान वही प्रणय वही राग वही अनुराग और फिर पराकाष्ठा को प्राप्त करके महाभाव दशा को प्राप्त होता है। तो ये तो घर से विरक्त करते हुए गोपियों के चित्त को जो बनासक्त कर देता है, बंधु नाम प्रणयमपि विस्तार यति विस्मार यति यह, हाय हाय ये नंद को ढोटा नंद को लाला, ये गोपिकागणों के बंधुओं के प्रति जो प्रणय है प्रेम उसको भी विस्मृत कर देता है, ऐसे हाय इस नंद के ढोटा के हाथ बेटी तू कैसे पड़ गई, पल्ले है गई पल्ले है गजब है। महमूद कह रहे हैं बोले अरे भैया मारुत बाचाली कृत मुखी तब बैशी एव अत्र वृद्धा प्राप्ता, देखने देखने मुख आए जैसे तेरी बैशी यदि हवा के रुख में आए तो बैशी अपने आप बोल उठती है, राधा नाम का अपने आप जप करने लगती है, ये श्याम सुंदर की बैशी की विशेषता, हवा की तरफ रुको तो वो राधा राधा बोलने लग जाए। तो जैसे तेरी वंशी हवा की ओर मुख करने पर अपने आप बोलने लगती है, ऐसे ही ये बूढ़ी टोकरी भी बारे में बर्राती भाई जाने कहां से चली आई है, बड़े बूढ़े जो हो उनको जब पाए आए बात लोग हो तो भी जैसे कुछ ना कुछ बर्राते रहते हैं मन मन में बोलते रहते हैं, ऐसे ये कहीं से ये मुखराबी कहां से आ गई है। तो मारत पाचादी कर मारुत एक दोष भी है, रोग का भी नाम मारुत है और हवा का नाम भी मारुत है, तो वंशी तो बसती है हवा से और बूढ़ी टोकरी बोलती है बात नामक रोग से। सो मारुत वाचालीकृत वायु रोग से वाचालीकृत होकर के मुखरा कहां से आ गई, इसलिए भैया तरफ देर करने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण को अब होश आया, बोला अरे मेरी वंशी कहां गई, तेरी वंशी की अच्छी याद दिलाई भैया मेरी वंशी कहां गई, ऐसे जो कह रहे हैं मधुमंद कह रहे हैं कि स्वयं जाना से कुतो से हमको कहा बताओ वंशी तेरी है तो पतो हो गए कहां है वंशी, तेरी वंशी को तू स्वयं ही जान सकता है कहां है। श्री कृष्ण कह रहे हैं ओहो कतो लग गया कि स्फुटम राधिकैव हृतेयम्, राधिका ने ही मेरी वंशी को चुराया है, तद एनम बिना कथम प्रस्थानम उचितम, अब वंशी लिए बिना तो मैं यहां से सरकूंगा नहीं, श्याम सुंदर को बहाना मिल गया शिवप्रिया जी के पास में टिके रहने का, नहीं तो मुखराज को
देख करके भागना था, परंतु एक बहाना दिखा करके कि हम तो अपने वंशी के लिए यहां रुके हुए हैं, ऐसा कहकर के श्री शांत कह रहे हैं कि इसके बिना हम कैसे प्रस्थान करेंगे। मधुमंगल परिहास करते हुए कह रहे हैं बोले भैया एकदम खलो अस्मातम गरिष्ठम भागदेयम, हम हैं तो बड़े भाग्यशाली क्योंकि यद एताभी मोहिनी भी त्वं चोरेत्वा न संगोपिता, ये गोपियां बड़ी जादूगरनी और ये गोपी चाहती तो कन्हैया कहूं तो ही चुराए लेती, तो बड़ा अच्छा हुआ कि इन्होंने केवल बंशी चुराया, नहीं तो ये गोपी तो तुझे भी चुरा लेती। सो बड़े भाग्य की बात है कि भैया तू बच गया, चल बंशी गई तो जाने दे, तू तो कम से कम बच गया, यदि ये गोपी तुझे चुरा लेती तो फिर मेरा क्या होता। सो यदि एताभी मोहिनी भी त्वं चोरित्वा न संगोपिता, ये गोपी तो तुझे भी चुरा करके छिपा सकती थी, तब तिष्ठत बड़ा की मुरल का छोड़ छोड़ मुरली को छोड़ उसकी चिंता मत कर, आत्मानं गृहीत्वा पलाया महे, भैया अपनी जान बचा करके भाग जा, नहीं तो ये गोपी तुझे भी चुरा लेंगी। ऐसे मधुमंगल ने जो कहा, श्याम सुंदर धक्का देते हुए कह जा रे जा, अरे बाचात, अरे डरपोक, ज्यादा बोलने वाले, तिष्ट तिष्ट रहने रहने, अपनी मुरली कैसे छोड़ जाऊं, मैं तो मुरली लेकर के जाऊंगा। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर उस समय श्री किशोर जी के सामने जम करके सामने रुख ले करके आमने सामने आकर के रुख ले करके खड़े हो जाते हैं और कह रहे हैं कि सुंदर बिंदुच्युत के तब नैपुण्यम बभू पुण्यनो, बोल गोपियो हे सुंदरी तुम बड़े तुम्हारे हाथ बड़े चतुराई से युक्त हैं, बड़े लाहर के साथ में तुम किसी कार्य को संपादित कर सकती हो, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि पूरा श्रृंगार हो जाने के बाद में श्याम कज्जल की तूलिका लेकर के तुम अपनी थोड़ी के ऊपर तक 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 तीन जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को बड़ी चतुराई से स्थापित कर लेती हो, पर वो जो बिंदु आती है वो ठीक एकदम सेंटर में आती है, केंद्रचित नहीं होती है, तो तुमको इतना इतनी तूलिका के ऊपर इतना तुम्हारा अधिकार है कि जहां तूलिका को छुपाना चाहिए जितना रंग लगना चाहिए उतना ही रंग लगता है। इसी तरह से बिंदु के एक अलंकार भी है और वो अलंकार नाक में बीच में कोया जाता है, नाक में छेद होता है और उसमें कोया जाता है, तो उस बिंदु को पहनाने में बड़ी कुशलता चाहिए, यदि ठीक से नहीं कोया गया तो तार जो है वो नाक में कहीं इधर उधर गलेगा, परंतु बिंदु को धारण कराने में वो जो गुलाब का जो तार है उसको इतनी सावधानी से और इतना संभाल करके नाक में कोया जाता है कि एक प्रयास में ही वन एफर्ट, बार बार एफर्ट करने की जरूरत नहीं, एक प्रयास में ठीक छेद में होकर के वो बाहर निकल रहा है, नहीं तो धारण कराने वाले को पीड़ा होगी असुविधा होगी। तो तुम बिंदुक नामक आभूषण को धारण कराने में कुशलता प्राप्त हो और बड़ी चतुराई के साथ में बड़ी सफाई के साथ में बिंदुक को भी धारण करा देती हो, और बिंदुक नामक एक दूसरा आभूषण भी है वो है थोड़ी के ऊपर तीन बिंदु उनकी अंग रचना करने, सो उनमें भी तुम बड़ी कुशल हो। तो श्री किशोरी युग से श्याम सुंदर कह रहे हैं कि सुंदरी बिंदु चुतके बिंदु को लगाने में या बिंदु को नामक आभूषण को नाक में पहनाने में तुम नैपुण्यम बभू पुण्येन, तुम लोगों को खूब अभ्यास हो रहा है, तो मेरी भी वंशी को
बिना मुझे सूचना दिए ऊपर ही ऊपर हल्के से पार कर देना, ये तुम शरीर की कुशल जो जेब कतरा है कतरा है उनका ही काम हो सकता है। ये जेब कतरा बनेगा की कुशलता तुमको बहुत अच्छी तरह से आती है, जैसे क्योंकि वो कुशलता बिंदु को धारण कराने में प्रकट होती है। इसी प्रकार से हमारी वैशी को कैसे पश्चतो हारणी होकर के तुम हरण कर सकती हो, ये कुशलता तुमको सहज रूप में ही प्राप्त है। तो सुंदर बिंदु चित के तब नैपुण्यम बहु को पुण्य अतः शशिमुख वशी कृताभूत वंशी मम, इसलिए मेरी वंशी और कोई चुरा ही नहीं सकता है। तुम शरीर की जो चोरी की कला में परम कुशल हो और जिनमें हस्त लाघव प्राप्त हो, हाथ की कुशलता प्राप्त हो, इतनी सावधानी से अचक से पता ही नहीं लगे कि जेब में से बटुआ का पार हो गया, ऐसे ही सफाई के साथ में नाक में वो जो कांटा है उसको डाल करके बिंदु को धारण कराने की जो कुशलता है वो तुमको तो नित्य का अभ्यास है, इसलिए मेरी वंशी को तुमने ही चुराया, ये बात पक्की हो गई। तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा मेरी वंशी को चुराने वाला नहीं हो सकता है। अतः मम यत् त्वया त्वरया, बड़ी शीघ्रता से तुमने ही मेरी वंशी को चुराया है। अब श्री कृष्ण भी मुस्करा रही है, यदि गंभीर बन जाती तो शांत को विश्वास हो जाता कि वंशी नहीं चुराई है, परंतु मुस्करा रही है। अब मुस्कराने के कारण श्याम सुंदर को विश्वास नहीं हो रहा है कि इनने वंशी नहीं चुराई है, तो मुस्कराती हुई भौहों को नचाती हुई कह रही है कि मुंचैनम भंग्या कल कलंकारोपणम, जबरदस्ती हमारे ऊपर कलंक का आरोप क्यों कर रहे हो, का जानाते तद वंशी का, हमको क्या पता तुम्हारी कौन सी वंशी है, हमने तुम्हारी वंशी देखी नहीं, कहा जाता था तद वंशी काम, हम कहां जानती है तुम्हारी वंशी। ललिता जी कह रहे हैं उस तुरंत कि न काचित गोपी नाम भवते पर वित्त प्रणय नहीं, बोले हम गोपियों में एक भी गोपी ऐसी नहीं है जो दूसरे के धन को चाहेगी, दूसरे के धन की अभिलाषा करेगी, हम में एक भी गोपी ऐसी नहीं है। सती नाम अस्माकम न बद परिवादम ननुमुधा, हम सती हैं और हम सतियों के ऊपर ऐसा परिवाद लगाने की तुमको आवश्यकता नहीं, हम सतियों के ऊपर ये परिवाद ये आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। सती नाम अस्माकम न बद परिवादम, हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ, ये एलिगेशन जो लगा रही हो ये लगा रहे हो ये उचित नहीं है, हमारे ऊपर ये आरोप लगाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं सखी ललते प्रसीद प्रसीद दर्शय सक्षम दाक्षिण्यम, बोले अरे ललता भाई वंशी के बिना हम बहुत घबरा रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर दर्शय सक्षम दाक्षिण्यम, हम तेरी सखी हैं, हम तेरे मित्र हैं, हमारे ऊपर भी अपनी दक्षिणता अनुकूलता दिखा। ललता जी कह रही हैं अलम जलपाई ये भी ब्रज निज निकेतन द्रुतमिता, बोले श्याम सुंदर ये हमारी खुशामद करने की जरूरत नहीं है, भागो भागो यहाँ से। ओह ललता जी बिल्कुल एकदम ये दुर्गा ललता ही बन गई और दुर्गा ललता बनकर के क्रोध करती हुई कह रही है अलम जलपाई एकदम खबरदार ऐसे जल्पना करने की जरूरत नहीं है, ब्रज निज निकेतन भागो भागो यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, द्रुतमितो जल्दी से वयम किन संवृत्ता तब कि तब बेलो प्रतिभा, हमें तुम्हारी वंशी का क्या मतलब, अरे वंशी को हमको कोई समझा करके गए थे क्या कि वंशी का ध्यान रखना, हम क्या तुम्हारी वंशी की प्रतिभा वंशी की क्या जामिन होकर के बैठी है क्या, उसकी क्या गारंटियर बन करके हम बैठी है क्या, हमने तुम्हारी वंशी की गारंटी नहीं दी है, हम उसकी जामिन बन करके प्रतिभू बन करके नहीं बैठी है कि हम दिलवा देंगे, हम काहे को दिलवाएंगे, हमको क्या पता, भागो भागो यहां से, भागो भागो कहके इतने अपमान के साथ में, और ये महापुरुष सुत सुत सुनने बड़े खुशी हो रहे। उस ललता जी की जो आक्षेप वचन उनके द्वारा जैसा आनंद प्राप्त हो रहा है वैसा आनंद दूसरी तरह प्राप्त हो ही नहीं सकता है,
प्रिया यदि मान करी करे भर्षण वेदस्तुति हरिते हरे मोर मन, वेदस्तुति से भी ज्यादा मन को प्रसन्न करने वाले होकर के विराजमान है। श्री राधिका उस समय तुरंत ही श्री मुखरा जी के पास में आकर के खड़ी हो गई और मुखरा जी के पीछे खड़ी होकर के कह रही है कि आर्य दृष्टं त्वया आत्मनः नत्तु चरित्रं, तुमने अपने देवते के चरित्र को देखा, वो यशोदा के संबंध से यशोदा की धात्री है मुखरा, तो उससे कह रही है तुमने अपने नाती के चरित्र को देखा, माने अपने देवते के दौहित्र के चरित्र को तुमने देखा। देखो ये ऐसे हमारे साथ में हमेशा करते हैं, तो शिकायत श्याम सुंदर की मुखरा जी के आगे, तुमने अपने नाती के चरित्र को देखा, यद एषो अस्मभ्यं चोरी का परवादम ददाती, ये हमको चोरी का दाग दोष लगा रहे हैं। श्री मुखरा जी काफी हुई कह रही है रे कृष्ण बोले अरे कन्हैया सत्यम मैं विज्ञातम, मैं जान गई लठिया खटखटाती हुई कह रही है मैं जान गई कि यह नत्री राधा मम विडम्बये तुम लब्धोसी, मेरी नातनी राधिका के साथ में हंसी करने के लिए अरे चंचल तू यहाँ आ गया है भागो भागो तू भी जाए हंसी, ऐसे कहकर के कृष्ण को डांट रही है, मेरी नातका नातनी को विडम्बये तुम उनकी परिहास करने के लिए तू यहाँ आ गया है। मधुमंगल कह रहे हैं कि अरे निष्ठुर संशनी निर्वंश के अरे निपुतल ब्रज की बोली है ये तो बोले अरे निपुतल अरे निष्ठुर संशनी कठोर कहने वाली निर्वंश के वंश रहित निपुति वंशिका मृत्वा हृत्वा तब नत्री तेरी नातनी ने तो हमारी वंशी को ले लिया है और वो अब त्वां दुर्लभा और वो तेरे पीछे आकर के खड़ी हो गई है हमको दोष दे रही है, त्वां दुर्गम लब्धा तुम्हारा तुमको दुर्ग के समान ने त्वां दुर्गम लब्धा तुमको दुर्ग के समान रक्षक बना करके शील्ड बना करके अपनी रक्षिका बना करके वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो गई है। कृष्ण कह रहे हैं आर्य मुखरे सत्य महावैश्य देख लो मेरा मित्र मधुमंगल बिल्कुल सही कह रहा है, ये राधिका एक तो हमारी वंशी चुराए हुए हैं और फिर तुमको दुर्ग बना करके तुम्हारे किले में छिप करके सुरक्षित होकर के बैठ गई है। मुखरा कह रही है कि अरे राधिके अब किम सत्यम विनम अरे बेटे कथन चो मुर्गी चुराइएगा, श्री राधिका कह रही है कि आर्य वृंदावन ईंधनानं कि महार्घता जाता वृंदावन में कोई ईंधन की कमी हो गई है क्या जो पंछी चुराएंगे, ईंधन के लिए वृंदावन में बहुत सी लकड़ियां हैं तो इनकी पंछी हम काय को चुराएंगे, यद हस्तमात्र वंशिका काष्ठिका अस्माभिर हर्तम हर्तव्य, एक हाथ की लकड़ी वंशी को हम काय को चुराएंगे, वृंदावन में कोई ईंधन की कमी थोड़ी हो गई है, वृंदावन में बहुत ईंधन है जलाने के लिए वंशी मिलेंगे क्या। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि हे पीते प्रचंड देवी यदि बेणुम न जाहर था, श्री किशोर जी के पास में आकर कह रहे हैं हे पीते हे स्वर्ण कांति वाली ऊपर से देखने में कैसी कैसी भली दिखती हो और भीतर क्या क्या भरा हुआ है, ये पीते कहने का तात्पर्य है कि अरे पीते हे स्वर्ण कांति वाली हे प्रचंड देवी ऊपर से तो पीत दिख रही हो स्वर्ण कांति वाली दिख रही हो और भीतर से प्रचंड देवी हो, यद बेणुम न जान था यह तुमने बेणुम नहीं चुराई थी तो कथम तक बातायम तुम जब सखी से वार्तालाप कर रही थी तो मुस्कुरा क्यों रही थी, तुम हंस रही हो हंसी से पता लग रहा है कि वंशी तुमने ही चुराई है, तो स्मित कुंडल उल्लास उत्फुल्ल कपोल
मुस्कान के कारण तुम्हारे कपोल खिलते हुए दिख रहे थे। ये कपोलों के ऊपर ये जो अपूर्व चमक जो ग्लो दिख रहा है वो ग्लो कहां से आया, ये मुस्कुरा रही है ये कहां से आया, ये जो चमक दिख रही है वो चमक कहां से आई। स्मित कुंडल तुम्हारी मंद मुस्कान रूपी कली के द्वारा उत्फुल्ल कपोल, ये कपोल जो है वो खिल रहे हैं, ये कैसे खिल रहे हैं, और उनसे आंदोल आंदोलित दृढ़ता से तुम्हारे कटाक्ष भी आंदोलित हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुखा बीच में हूं अरे चपल अभिमन्यो सधर्मणी तब बंदनिया, ऐसे बोलेगा, जाने नहीं है कि ये अभिमन्यु की भार्या है, अभिमन्यु को पति मन को श्री नारायण जी के बोल उनकी भार्या है और उनके साथ में ऐसे परिहास कर रहा है, इनका तो तुझे आदर करना चाहिए। ऐसे जिसने कहा मधुमंगल बीच में बोले बोल मुखरे एशो हम यज्ञों पर शपामी, और ऐसा कहकर के मधुमंगल ने पट अपने मोटे से पेट के ऊपर गोरा गोरा जो पेट मधुमंगल की गर्दन कंधे के साथ में जुड़ी हुई है, मोटी गर्दन मुख जो है वो धड़ के साथ में जैसे चिपका हुआ है, लंबी गर्दन नहीं, और मधुमंगल के कमल सरी के नेत्र सुंदर लटुरिया मधुमंगल के विराजमान सुंदर यज्ञोपवीत ऊंचे पेट के ऊपर, और यज्ञोपवीत का बड़ा धौंस है कि मेरे पास में यज्ञोपवीत है, इन सब सखा के पास में कोई के पास में भी यज्ञोपवीत नहीं, मधुमंगल की ये तो धौंस है, सबसे बढ़कर के मैं हूं। और यशोदा जी भी भोजन कराए तो सबसे पहले मधुमंगल को भैया पहले अबावन को भोजन करा, तो मधुमंगल तुरंत ही अपने यज्ञोपवीत को अपने हाथ में लपेट करके सत्य मुद्रा बना करके कह रहे हैं कि एशो हम यज्ञोपवीत से शपामि, यज्ञोपवीत की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि मैंने एक बार नहीं अनेक अनेक बार माया पृथ्वी विलग्न शेखराय राधिका बंदिता शेखरस्य राधिका बंदित प्रिय वैश्यो, मैंने अनेक अनेक बार अपने मस्तक को पृथ्वी के ऊपर लगा करके श्री राधिका की वंदना करते हुए अपने मित्र को देखा है। तुम जो कह रही हो कि अभिमन्यु की भार्या के साथ में ऐसा नहीं बोलते हैं, बड़ों के साथ में ऐसे बातचीत करते हैं क्या, गौरवशाली किसी महिला के साथ में आदरणीय के महिला का अर्थ होता है आदरणीय, महिला शब्द का अर्थ है आदरणीय, तो गौरवशाली किसी महिला के साथ में जैसे तुम बोल रहे हो ऐसे बोलते हैं क्या, महिलाओं के साथ में ऐसे बोला जाता है मधुमंगल, नहीं दादी तू बिल्कुल सही कह रही है, मैंने अनेक अनेक बार देखा है कि श्री कृष्ण श्री राधिका के चरणों में प्रणाम करते हुए विराजमान है, तो ये तो खूब आदर करते हैं। मुखरा कह रही है आनंदित, हाँ बेटा सच्ची बात है, बोले हाँ बिल्कुल एक तो पहले कई बार मैंने राधिका को प्रणाम करते हुए इनको देखा, तो कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, कन्हैया तुम्हारा धर्म बढ़ेगा, बड़ों को प्रणाम करना इससे धर्म बढ़ता है, अभिवादनशीलस्य तुम्हारी आयु बढ़ेगी धन बढ़ेगी, पुराने शास्त्र भी कहते हैं कि बड़ों को प्रणाम किया जाता है तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या श्री बलम, ये चार चीज अपने आप बढ़ती है आयु विद्या श्री बल तो धर्म बढ़ते, तुम्हारा धर्म बढ़ रहा है। सारी सखी हंसी कर रही है, मधुमंगल कह रहे मुखरा कह रही है कृष्ण अनेन तब चापले खेदस्यति बल्लवेन्द्र नंदः, नंद बाबा को दुख मते बेटा तू कौन को बेटा है, नंद बाबा को बेटा है कछु बड़े इनके लाज रख, तेरे कारण तेरे ये सब एल फैल देख के बाबा कितने दुखी होंगे, नंद बाबा दुखी होंगे, सो तेरी चपलता लेकर के नंद दुखी होंगे, तब गत्वा गोमंडलम संभाले बड़े बूढ़े हो गए कछु अपने घर को काम संभाल, ये का चंचलता करे जा। श्री कृष्ण कह रहे हैं बोले
आगे बिना बेणू के काम कैसे चलेगा, बिना बेणू विप्रकृष्टां धवला वले आकृष्ट दुर्घटा, बिना बेणू के धवलावली माने गाय, धवला माने गाय, उनका आकर्षण करना दुर्लभ। बीच में ललता जी वाली बोले गलत, धवलावली मत कहो अमलावली कहो। बिना बेणू के गायों का आकर्षण नहीं, जो कहो ना कि अमलावली जितनी भी गोपी है उनका आकर्षण तुमको दुर्लभ हो रहा है। सो ये कहना चाहिए तो अमलावली थी कस्मात रुजुम्न कथा ऐसी सीधे सीधे अमलावली क्यों नहीं कह रहे हो। श्री कृष्ण कह रहे ललते वृद्धे आते सबलालूलम यूयम, बोले हाँ हाँ अब तो तुम्हारी हिमायतन आ गई है ना डोकरी वृद्धा, इससे सबल होकर के विराजमान हो तो तुम तो ऐसा कहोगी कहोगी। ऐसे जिस समय कह रहे हैं श्री राधिका, उस समय मुखराज उस समय क्रोध कर रही है और क्रोध करते हुए कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा उचित नहीं है, या तुमने ज्यादा चंचलता करी तो हम श्री राधिका को ले जाएंगे। मखमुगल करे तेरे कंस वहां का डरेगा, वो कंस रूपी पशु को मारने के लिए तो हम सदा तैयार है, ऐसे हंसी करते हुए विराजमान है। ऐसे ही कहकर के श्री मुखरा उस समय श्री राधिका को पकड़ करके ले जाती हैं। और इसी प्रकार ये बेरहरण नामक ये जो चतुर्थ अंक है वो पूरा। अब श्री श्याम सुंदर के पास में बेणू नहीं है और वो बेणू फिर कहीं घूम फिर करके श्री श्याम सुंदर को प्राप्त होगी, मतलब होगी ऐसे कि वो कोई बदर या मुखरा के घर में घुस जाएगी। और बदरिया को जब मुखरा भगाएगी तो भगेगी है नहीं, उसके हाथ में थी कोई बंशी, राधिका से जो बंशी प्राप्त की थी उसी बंशी को लेकर के उसने मारी बदरिया को, बदरिया ने पत्थर बंशी ले ली और ले जाकर के श्री वृंदा जी को दे दिया। वृंदा जी से घूम करके बंशी श्याम सुंदर के पास में आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आगे के अंक में वो इसी लीला का वो वंशी हरण वंशी के फिर पुनः श्री श्याम सुंदर को वंशी की प्राप्ति, वो जो लीला है उस लीला का गायन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। शिवताय गौर हरि बोल श्री राधे।